get any bacon. प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को सबमिट किया है। इस मामले को सुलझाने के लिए उनके द्वारा 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी और आज 15,000 रुपए की प्रथम किस्त देते हुए उनको पकड़ा गया है। कार्रवाई जारी है। ठीक, विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं की कार्रवाई है? हाँ, जबलपुर लोकायुक्त की कार्रवाई। किन धाराओं के तहत? ये अभी 7 धारा लगी है भ्रष्टाचार अधिनियम की और कार्रवाई के पश्चात धारा बढ़ाई जाएगी। सर आपका क्या नाम? DSP दिलीप झरपड़े। कितने लोगों की टीम थी सर? ये अभी हमारे टीम में इस पर रोज क्या शिकायत की थी और क्या किस तरह से परेशान किया जाए? हमारी शुभंडन गैस एजेंसी है गाटरावारा में, उसकी लीडरशिप हमको मिली हुई है। वो हम लोग रेगुलर बढ़िया व्यवस्था संचालित करते हैं। अभी शर्मा साहब ने एक छोटी सी गलती का हमारे एक लेटर प्रेषित करवाया था कलेक्टर महोदय से कि एजेंसी को निरस्त की जाए, तो उसके सेटलमेंट लिए हमने सर से निवेदन किया था। सर ने जिसके लिए सर ने 25,000 रुपये हमसे मांग की और आज 15,000 रुपये सर को हमने लगे और सर कलेक्टर साहब से सेटिस्फेक्शन लेटर का सर ने हमसे कहा था वो हमको देंगे, ऐसा शर्मा सर ने हमको पहले आश्वासन दिया। क्या क्या कमी थी आपकी एजेंसी में, क्या किस वजह से आपकी रिश्वत मांगी जा रही थी? एक बहुत छोटी गलती हुई थी हमसे, कैश में वो गलत कट गया था हमसे, जो कि 10 कैश में वो कट जाए तो भी कोई गलती नहीं मानी जाती इंडियन ऑयल के हिसाब से। रोज़ जहाँ आप 20,000 कस्टमर हैं आपके, तो कभी तो गलत कैश में कटना बड़ी सहज गलती, जो कि सॉफ्टवेयर का हुई थी, क्लरिकल गलती है, क्लरिकल मिस्टेक है, कोई ऐसी गलती नहीं जो जिसके किसी के नुकसान या लाभ हो उससे किसी को। तो उस एवज में गलत पर्ची कट गई थी, गलत पर्ची कट गई थी उस एवज में उन्होंने। फिर आज क्या हुआ? जिसकी शिकायत आपने लोकायुक्त की? जी, जिस शिकायत मैंने लोकायुक्त की थी और लोकायुक्त के पूरा सहयोग हमको मिला और आज हमने। किस अधिकारी ने आपसे पैसे मांगे? वीरेंद्र प्रसाद जी शर्मा। क्या कहा था, इतने पैसे यदि आप दे देते हैं तो? हाँ, यदि आप 25,000 रुपये देते हैं तो मैं उसको सेटलमेंट करा दूंगा और आप कलेक्टर महोदय साहब को एक सेटिस्फेक्शन लेटर मिल जाएगा और आप कभी कोई दिक्कत नहीं, इंडिया वाले कॉर्पोरेशन साहब को कभी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लगता है कलेक्टर भी इस मामले में शामिल? नहीं सर, कहीं से कलेक्टर बिल्कुल नहीं, कलेक्टर साहब से कोई उनको जानकारी नहीं। लेकिन उन्होंने यही कहा था कलेक्टर साहब से आपको लेटर मिल जाएगा, ये अपनी तरफ से उन्होंने, ये सर ने खुद कहा है, ये शर्मा साहब ने कहा है। शर्मा साहब के हमें नहीं मालूम शर्मा साहब किससे।